चार दिन तक मैं बिजी था बिहार इन्वेस्टर मीट में, उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ना मैंने पढ़ा है उसमें, तीन दिन से अखबारें नहीं पढ़ पाया। जनगण मन को लेकर के यूपी में फैसला हुआ है, मदरसों में अब जनगण मन गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अरे राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था, ये तो बड़ा ताजुब वाला सवाल है। हम लोग तो बचपन से, हम भी मदरसा में पढ़े, पूरा राष्ट्रीय गान तो धूमधाम से सब लोग गाते हैं। जो भी भारत का नागरिक है, जो इस राष्ट्र में रहता है, उसको राष्ट्रीय गान तो गाना ही चाहिए, और मदरसा में भी गा रहे होंगे। अगर यूपी ने कहा है कि गाएं, हर जगह गाएं, अपने राष्ट्र का गुणगान करने में क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई एतराज़ करने वाला नहीं है। ये सवाल कहाँ खड़ा हो गया कि राष्ट्रीय गान पर किसी को एतराज़ होगा? जो इस राष्ट्र का नागरिक है, उसको इस राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए और राष्ट्रीय गान पूरे मन से गाना चाहिए। कश्मीर में काफ़ी हंगामा हो रहा है, पंडित की हत्या कल कर दी गई थी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद एक बुझता हुआ चिराग है, और जब चिराग बुझने लगता है, जब कभी देखते होंगे चिराग जब बुझने लगता है या लालटेन में जब बुझने लगता है, तो जोर से एक बार जलता है, भभकता है, कहते बिहार की बात है, भभकता है। आप देखवे कि ये पिछले चुनाव में भभका था थोड़ा, लेकिन आतंकवाद की जड़ को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के एजेंट कुछ आतंकी बचे हैं, उनको भी समझा दिया गया है, और जो आतंक करेगा उसके माथे पर मौत लिख दी जाएगी। संजय राउत ने अमित शाह से ये पूछा है कि जरा वो बताएं कि 8 साल में कितने कश्मीरी। चार दिन तक मैं बिजी था बिहार इन्वेस्टर मीट में, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, ना मैंने पढ़ा है उसमें, तीन दिन से अखबारें नहीं पढ़ पाया। जनगण मन को लेकर के यूपी में फैसला हुआ है, मदरसों में अब जनगण मन गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अरे राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था, ये तो बड़ा ताजुब वाला सवाल है। हम लोग तो बचपन से, हम भी मदरसा में पढ़े, पूरा राष्ट्रीय गान तो धूमधाम से सब लोग गाते हैं। जो भी भारत का नागरिक है, जो इस राष्ट्र में रहता है, उसको राष्ट्रीय गान तो गाना ही चाहिए, और मदरसा में भी गा रहे होंगे। अगर यूपी ने कहा है कि गाएं, हर जगह गाएं, अपने राष्ट्र का गुणगान करने में क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई एतराज़ करने वाला नहीं है। ये सवाल कहाँ खड़ा हो गया कि राष्ट्रीय गान पर किसी को एतराज़ होगा? जो इस राष्ट्र का नागरिक है, उसको इस राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए और राष्ट्रीय गान पूरे मन से गाना चाहिए। कश्मीर में काफ़ी हंगामा हो रहा है, पंडित की हत्या कल कर दी गई थी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद एक बुझता हुआ चिराग है, और जब चिराग बुझने लगता है, जब कभी देखते होंगे चिराग जब बुझने लगता है या लालटेन में जब बुझने लगता है, तो जोर से एक बार जलता है, भभकता है, कहते बिहार की बात है, भभकता है। आप देखवे कि ये पिछले चुनाव में भभका था थोड़ा, लेकिन आतंकवाद की जड़ को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के एजेंट कुछ आतंकी बचे हैं, उनको भी समझा दिया गया है, और जो आतंक करेगा उसके माथे पर मौत लिख दी जाएगी। संजय राउत ने अमित शाह से ये पूछा है कि जरा वो बताएं कि